राहुल गांधी लगातार हमलावर हो रहे हैं बीजेपी पर, लेकिन इन सब के बीच में आपको बता दें किस तरीके से आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार का भी बयान सामने आया है। आरएसएस नेता को लेकर के लगातार बयान सामने दिया गया है। आफताब पर यह बयान सामने आया है, इंसान कितना हैवान हो सकता है, ये कहा गया है आरएसएस नेता की तरफ से। आफताब की हैवानियत हमने देखी है, इंद्रेश की तरफ से ये बयान दिया गया। आपको बता दें कि श्रद्धा मर्डर केस को लेकर के आफताब लगातार अब तमाम जो नेता हैं वो भी अपनी बातों को सामने रख रहे हैं, अपने पक्ष को सामने रख रहे हैं। और इंसान कितना हैवान हो सकता है, इंद्रेश की तरफ से ये बातें सामने रखी गई हैं। आफताब की हैवानियत हमने देखी है, ये कहा गया है। अभी हमने ताजा ताजा देखा। ये अपने घर में जो दो एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इंसान कितना दरिंदा हो सकता है, इंसान कितना क्रूर हो सकता है, इंसान कितना हैवान हो सकता है, आफताब के रूप में हम सबने टीवी पर देखा। क्या ऐसे इंसान इस देश में पैदा होंगे? क्या मजहबों के नाम पर इस तरह के इंसान बनाने की कोशिश की जाएगी? ये इंसान नहीं है, इंसानियत नहीं है, ये शैतान और शैतानियत है। मुल्क और कौम कभी शैतानों से नहीं चलती, वो इंसानों से चलती। और AIMIM अध्यक्ष ओवैसी का आप पर वार देखने को मिला, जेल में आपके मंत्री को मसाज। ओवैसी ने यह कहा, मुसलमानों को केजरीवाल ने बदनाम किया है, केजरीवाल ने तबलीगी जमात को बदनाम करने का काम किया है, जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलवाया अरविंद केजरीवाल ने। असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से ये बातें कही गई हैं आम आदमी पार्टी को लेकर के, चाहे वो सत्येंद्र जैन का जेल का मसाज का वीडियो हो या फिर जहांगीरपुरी में चला बुलडोजर। किस प्रकार से पूरा प्रशासन जेल का उसके सामने झुका हुआ नजर आता है और किस प्रकार से उसकी VIP ट्रीटमेंट होती है और किस प्रकार से वो जेल में रहकर भी डिक्टेट करता है टर्म्स, ये हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली, उसकी सरकार और उसकी जो तरीके हैं उसके ऊपर एक बहुत सीरियस प्रश्न चिन्ह लगाता है और हमें बाध्य करता है कि अपार्ट फ्रॉम डिस्कशंस एंड तूतू मैमे इन डिबेट्स एंड इन सोशल मीडिया, दिस नरेटिव हैज टू गो टू समवेयर एल्स। ये उससे ऊपर नरेशन जाने की आवश्यकता है। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री की एक मंत्री साहब है, जेल में है, जेल में है और माशाल्लाह से उनकी मसाज होती है, उनके हाथ और पैर को तेल लगाया जाता है, फिर उनके सर को दबाया जाता है और फिर उनको खाना खिलाया जाता है। जब खालिद सैफी जेल को लेकर गए तो पुलिस ने मारकर उसके पैर को तोड़ दिया था और ये केजरीवाल के मंत्री के पैरों को तेल लगाया जा रहा है। तो देखिए, इस वक्त चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो या फिर बीजेपी की तरफ से संबित पात्रा हो, दोनों को सुना आपने उन्होंने क्या कुछ आरोप लगाए हैं। और बचाव में अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से भी सफाई दी जा रही है सत्येंद्र जैन के वीडियो को लेकर। प्रमोद शर्मा इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सीधे प्रमोद का हम रुख करते हैं क्योंकि प्रमोद, इस वक्त दिल्ली की सियासत बड़े दिलचस्प मोड़ का ले चुकी है, आकर वहां रुकी हुई है। हर एक दिन एक नया वीडियो सत्येंद्र जैन का जेल से सामने आता है और उसके बाद बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, तमाम आरोपों की झड़ी लगा देती है, फिर आम आदमी पार्टी की तरफ से सफाई दिया जाता है उसको ढकने के लिए। MCD चुनाव में कितना बड़ा डेंट ये आम आदमी पार्टी के लिए साबित होगा या फिर MCD चुनाव में ये कितना सहयोग इस तरीके के वीडियोज बीजेपी को करते नजर आ रहे हैं, ग्राउंड पे क्या बातें हो रही हैं लोगों में? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक जो वीडियो बम फोड़े जा रहे हैं और जो वायरल वीडियो हो रहे हैं उसमें देखा जा रहा है कि पहले जब सत्येंद्र जैन को मसाज दी जा रही थी तो बड़े आक्रामक रूप में जो है मनीष सिसोदिया सामने आए थे और उन्हें जो है बीमार बता दिया गया था, उनकी थेरेपी बताई गई थी कि डॉक्टरों ने उनको थेरेपी देने के लिए कहा है, लेकिन बाद में पता चलता है कि जो मसाज दे रहा होता है वो एक रेपिस्ट है, पॉस्को रेप केस का वो एक्यूज्ड है, अपनी ही बेटी का उसके ऊपर रेप करने का आरोप है। उसके बाद बैक
बैकफुट पे जो है आम आदमी पार्टी आ जाती है, और साथ में जब बाहर से मंगाया हुआ लजीज खाना खाते हुए वो दिखते हैं, या फिर अब एक एक करके जिस तरीके से वीडियो आ रहे हैं कि निलंबित जेल सुप्रिंटेंडेंट के साथ वो काफ़ी देर तक मीटिंग करते हैं, तो उसके बाद जो है बैकफुट पे आम आदमी पार्टी आती है। उनके पास इसका जवाब देने का कोई भी लॉजिक नहीं होता, और लगातार जो है हमलावर जो है भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी पर हो रही है कि दिल्ली की या यूँ कहे एशिया की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली जेल के अंदर जो दिल्ली के जो जेल मंत्री हैं वो किस तरीके से सुख सुविधाएं उठा रहे हैं। आम आदमी पार्टी जो कि अपने आप को अलग तरीके की राजनीति करने का दावा करती थी, और वो अब ऐसे वीडियो को सामने आने के बाद भी मंत्री पद से उन्हें नहीं हटा रही है, तो ये वीडियो लगातार जो है सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं। तो लोग भी सोचने को मजबूर हो चुके हैं कि आखिर एक मंत्री जो कि 6 महीने से जेल में है वो जेल के अंदर किस तरीके की सुविधाएं भोग रहा है, किस तरीके से जेल में लोगों का रिएक्शन भी सामने आ रहा होगा। लोगों के बीच आप जाते हैं, क्या बातें लोगों के बीच में हो रही है इस वीडियो को लेकर के? या तो इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, देखिए दो तरीके की चीजें आएंगी, या तो वो ये कहेंगे कि आम आदमी पार्टी की तरफ से जो कहा जा रहा है वो बिल्कुल सही कहा जा रहा है, ये बीजेपी की तरफ से ऐसा करवाया जा रहा है क्योंकि आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है। तो ये दो चीजें हैं, लोग किस चीज के ऊपर भरोसा इस वक्त कर रहे हैं, बीजेपी आम आदमी पार्टी? देखिए जब लोगों से बात की जाती है तो लोगों का यही कहना होता है कि चाहे कोई भी पार्टी का मंत्री हो नेता हो, जब वो जेल में जाता है उसे इस तरीके की सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन ये सुविधाएं जो है एक आम आदमी को नहीं मिलती। तो आम आदमी पार्टी कहीं दूसरी पार्टियों से अलग नहीं है जैसा वो दावा करती है। लगातार लोगों को ये हैरान होती है कि सबसे ज्यादा कि एक अपनी ही बेटी के रेप करने के जो आरोपी था वो मसाज कर रहा है, और किस तरीके से बाहर का खाना खाते हैं, तो ये एक प्रमोद आम आदमी पार्टी हो आज के वक्त में या बीजेपी हो, वादों से काम नहीं चलेगा। जो चीजें लोगों को दिख रही हैं, लोग अब उस पर जा रहे हैं, उस ओर मुड़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया प्रमोद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। ये अपने घर में जो दो एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं, आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।